सभी लौंडो लौंडियों के का चलत रहो है। देखो सब यहाँ पे आओ है जीतो के वास्ते, हम आओ आए हैं तमाशा करने के लिए। यहाँ जितने लौंडा है जे लौंडा आओ है जीतने के लिए, जे लौंडा भी जीतने के लिए आओ, तभी चारा काप गओ है। हमको फर्क नहीं पड़ता जीतने आने से, हमको पता है अपना कर्म करो, फल ऊपर वाला देख लेगा, करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो ना मिलेगा। अब मैडम तुम आओ बताओ, तुम आओ का चाहती हो, नाचे गाए लो जाए पोच जाए जो चाहती हो वो बता दो। इमेजिनरी जापानीज में गा के ये फिर से आप एक औरत की तरह हिमांशु को गाते हुए सेड्यूस कीजिए। हिमांशु इधर आओ, तुम मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम बर्बाद होना चाहती हो? ओके ओके क्या बोलती पब्लिक, मेरा नाम बैलेंस है और मैं यहाँ पे एंटरटेन करने आया हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, हंसूंगा गाऊंगा रोऊंगा और डांस करूंगा। आपको जो करना है आप करो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मोहल्ले की आंटी सुनी आपने? हाँ जी। ऐसे करते हैं, मेरा नाम है रीटा भाभी और आप हो रिया जी। हाय हाय रिया, कैसी लग रही है तू? एकदम रापचिक लग रही है। तूने ये रिबॉन्डिंग जो है 500 रुपए पर करवाई है ना? अरे वो सब छोड़, जो तू कपड़े पहन के आई है ना सरोजनी में सेम मिलती है। क्यों तन्नु, हम सब सेम वहीं से खरीदते हैं। और इतनी बात नहीं, वो ईशु निशु को देख रही है, वो तो कपड़े ज़ारा से खरीद के वापस कर देते ताकि लोगों को पता ही ना लगे। यार तू तो ऐसी लग रही है दूध और मलाई से नहाती है, और इनको देख ले सुच्चे पानी से नहाती है ये लोग। चिल आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं देख रही हूँ आप सबको गुलाब बांटते हो, तो मैंने कहा किसी को आपको भी देना चाहिए। This is for you. और मैंने ये भी देखा यार कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी कमाल की है सबके बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि सबके जो गहरे राज हैं जो आपने समझ लिए हैं वो आप जरा मुझे बताएं सबके बारे में एक एक करके, और एक एक करके उनको एक गुलाब भी बांटते रहना। पहले मैं जे जे से स्टार्ट करूंगा। जे जे इज अ काइंड ऑफ लवर बॉय जो सभी लड़कियों से बड़ी पोलाइटली बात करता है, लेकिन उसने पता नहीं 20 शो में हार क्यों मान ली। आगे उसको घर जाना है, अभी उसको अभी भेज दो। घर क्यों जाना है यार? कल मैंने इसको रुला दिया था तो बस वो उसके बाद थोड़ा सा अन्नू को रुला दिया था। हाँ। रोस्टिंग का वो था तो आपको पता है मेरा नेचर क्या है, तो मैंने रोस्ट कर दिया तो मुझे बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये कंपटीशन है, प्लीज इसको कंपटीशन की तरह लो तनु। हाँ। एक दूसरे के लिए रो मत, एक दूसरे को पुश करो टू परफॉर्म देयर बेस्ट। यस। अब हम आते हैं तनु पे। तनु इस घर की बहुत स्वीट लड़की है जो सबसे बात करती है बड़े अच्छे से, लेकिन वो बेचारी कभी कभी इमोशनल हो जाती है जैसे कल हो गई थी, एंड उसको समझ नहीं आता है और वो भी कहीं ना कहीं सोचती है कि मैं अकेली पड़ गई, बट तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ, सब तेरे साथ। हाय 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 हाय, कौन मिल गया मुझे ये बैलेंस। अपने आप को बहुत फनी समझता है और कहीं ना कहीं सब लोग उसको जोक की तरह ही ले रहे हैं घर में, तो मैं उससे कहूंगा भाई थोड़ा कम हंसा कर, हंसना बुरी बात नहीं है लेकिन हर बात में हंसना बुरी बात है, थोड़ा गेम को सीरियस ले ले। इतने तेरे को यार सुना दिया था यार। बहुत हाँ। कहाँ पे? मैंने देखा एपिसोड में। नहीं बराबर हुआ था जो भी हुआ था। इसको ऐसा लगा? सबको कैसा लगा? अगर होता तो फिर विनर हम दोनों में से ही कोई होता। और कोई मेरे को खिलसा नहीं सकता, इतना मुझे गट फीलिंग है भाई। इसके जितना अनफिल्टर्ड रहना है सबको, सच बता रहा हूँ। कुशल ये बंदा, इसको भी लगता है कि ये बहुत फनी है और ये थोड़ा सा सीरियस नहीं रहता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरी टीम का बंदा है, ये मैनिपुलेट हो जाता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा तो कम किया अगर, ठीक है मेरी बात मान लिया अगर तो अच्छा रहेगा। समझ गया। थैंक यू। थैंक यू। स्वे नहीं, स्वे जयजीत के साथ ज्यादा रहती है, जब उसके सर में दर्द हो जाता है तो थोड़ा वो दबा देती है। ये कोई लव स्टोरी है जो मैं मिस कर रही हूं? कुछ कुछ मुंह लिटरली ऐसे चल रहे हैं और कुछ ऐसे चल रहे हैं। कोई हानि? हाँ सब, बाकी सब बहन, लेकिन ये एक बहन नहीं। नहीं सब बहन है भी नहीं। तनु बहन? तनु बहन। स्वे भी आपकी बहन है? नहीं स्वे बहन नहीं, स्वे मेरी अच्छी दोस्त है। आपकी अच्छी दोस्त है? तो ये मैं आदित्य को लूंगा। मैं इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। वो इस टाइम पे इतना डीमोटिवेट है कि उसको लग रहा है कि मैं सुबह ही घर जाने वाला हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जिस दिन तू पहले दिन आया था वो आदित्य अलग था और अब तू अलग है। और भाई ये बात तू मेरी सुन ले, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता तेरे बीमार होने से, या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है, सबको अपने आप से मतलब है। तू भी ये बात समझ जा, तू भाई है इसलिए बोल रहा हूँ, ये मत समझा कर कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ।
हाँ तो मैं आ गया खुद के लिए। ओके मैं आ गया हूँ। तो इन लोगों को यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत रियल हूँ घर में, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, और मुझसे ना दिमाग चलता नहीं है अपना। इनको लगता होगा कि मेरा बहुत दिमाग चलता है, मैं रूम में बैठ के। मतलब तू कह रहा है कैरी की टीम, कैरी ने ऐसी टीम चूज किया जिनका दिमाग नहीं चलता? अरे नहीं, अरे सुनो तो, आप बात तो सुनो। अरे चलाकियों में मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं दिलों के साथ खेलना नहीं जानता हूँ। मैं बाहर से बैठ के आप सबको देख रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फ्लावर्स मैंने आपको सिर्फ दूसरे लोगों को देने के लिए नहीं दिए थे। अच्छा। मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपने एक्चुअली अपना गेम बदला है। आप स्टैंड आउट हो रहे हो, आप दिख रहे हो, और जो आप कर रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है टू वॉच। जिस वे में आप चिल कर रहे हैं, चिल करते जाइए। थैंक यू यार। आप लोग दोनों का जो टॉम एंड जेरी वाला रूप हम लोग सबको देखने मिल रहा है वो बहुत मजेदार है। एक छोटा सा टास्क कर रहे हैं आप लोग को, वो ये है कि यू विल बिहेव लाइक हिम एंड आप इनके जैसे बिहेव करोगे। ओ ना तू ना, ठीक है तू ना ढंग से रह ले, आई समझ, ढंग से रह ले। तू वहां पे उसकी बिचिंग करती है, फिर ये करती है, वो करती है। वो तो मेरी बहन है, अब मैं उसको नहीं शेयर करूंगी तो किसको करूंगी? यहाँ मेरे कोई दोस्त है ही नहीं, तो मेरी बहन ही तो है जिसको मैं बता सकती हूँ। मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी। हाँ जी, कैरी ने आप लोगों को क्या एडवाइस दी थी, आपके पूरी गैंग को? हमारी पूरी गैंग को ये एडवाइस दी थी कि याद रखनी है हमेशा ये बात कि तुमको सोलो परफॉर्मेंस करनी है यहाँ पे। झूठा दिलासा मैं दूंगा नहीं, ठीक है ना? थोड़ा ना अवेयर हो जाओ और अपना दिमाग लगाओ। अगर तुम आंख बंद करके बिना सोचे समझे सुन रहे हो ना, फिर तुम्हारी गलती है। अभिनव, आर यू प्लेइंग सोलो? आप लीडर थे राइट? तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरा हमेशा यही था कि टीम को साथ में लेके चलना है, क्योंकि एक बार हमारा कोर स्ट्रांग हो जाए फिर सोलो खेलना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप जीते हो तो आपने ऐसे रंबल ऐसे डेमोक्रेटिकली बांटे क्यों हैं? 300 के इसको 100 100 100 पहले तो चलो फर्स्ट थिंग रंबल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप नहीं जीतना चाहते हो, या आपने दोस्तों के साथ चिल करने आए हो, पिकनिक मनाने आए हो, ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दो। और आप समझ भी पा रहे हैं ये गेम क्या है? हाँ, मेरे को थोड़ा सा लेट रियलाइज हुआ कि थोड़ा सोलो भी खेलना है, बट फिर स्टिल कि एक टीम साथ में परफॉर्म करेगी तो एक कोर स्ट्रांग रहेगा, हम ऊपर पॉइंट्स में जाएंगे टीम। जब आपका टीम का टास्क होगा तो ऑफ कोर्स आपको साथ में परफॉर्म करना है, लेकिन इंडिविजुअली एक ही बंदा या बंदी ये शो जीतेगी या जीतेगा। सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, या शायद मैंने कुशल से करा होगा। चिल को लेजेंड दे के मैं बस गेमिंग पर फोकस करूंगा एंड देन आई विल गो, वो बनेगा सोलो, क्योंकि अभी अब वापस लेजेंड तो मुझे बनाएंगे नहीं ये लोग। एक ही बार बन सकता है ऐसा नहीं बात, टीम का भी तो कॉल होता है। आखिरी दिन है मेरा लेजेंड का। हिमांशु के हाथ में आया तो तेरे को लगता है कि वो मेरे को लेजेंडरी में कुछ स्टैंड में स्टेक देगा? हाँ, तो जब हिमांशु के टाइम पे चीज आएगी वहाँ पे स्टैंड आउट कर। अगर हिमांशु रहा तो आई विल नॉट परफॉर्म एट ऑल। क्यों? क्योंकि हिमांशु विल परफॉर्म ऑन द डेज वेयर ही gets to perform, like uska physical ho gaya, uska entertainment ho gaya, par gaming mein he is zero. So guys, aapse kuch baatcheet ki thi humne, apna bahut sar phoda tha, aapko samjhaya tha, kuch cheeze boli thi, aur uske turant baad sunne mein aaya hai ki hamare jo haseen hasti yahan baithe hain wo kafi complain kar rahe the, ro rahe the aur keh rahe the ki kya keh rahe the, main ek kaam karte dekh lete. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्रिएटर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, इफ यू रियली वांट मी कि मैं इस गेम में रहूं, आगे खेलूं, अच्छे से खेलूं, लॉयल रह के खेलूं, डेडिकेटेड, और वो चीज़ें दिखाऊं कि मैं पहले शो में कैसा था, एंटरटेनिंग फैक्टर, तो आपको पता है कि आप सारे डिसीजन देख चुके हो, और अगर ये प्लान था कि मुझे सेव करके हिमांशु और मेरे बीच में डिफरेंस हो, तो एक्चुअली में मुझे सही में ये नहीं लगा। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हिमांशु है शो में तो मैं चुप ही रहूँगा, आई विल नॉट शो माई सेल्फ जस्ट बिकॉज मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। वो बहुत नीचे लेवल का इंसान है, मैं उतना नीचे गिरकर उसके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं शो ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको, मैं वो दिख ही नहीं पा रहा हूँ जो मैं पहले था।
या तो मेरे पास अगर इतने पैसे होते 10-1 लाख रुपए होते तो मैं बोल देता भैया मुझे मुझसे पैसे ले लो मुझे इस घर से निकालो। क्या बात है। Amazon Mini TV का ऐप डाउनलोड करो और Playground 3 के एपिसोड देखो यार फ्री में।